हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांशी चालिया एंड आई एम पुष्पांशी चालिया। आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे लेसन कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर नंबर 5 क्लास फ्रॉम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी साइंस बुक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि कैन coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organisms? क्या dead organisms से जैसे कि natural gas बनती है तो laboratory में भी बनाई जा सकती है क्या? लेकिन नहीं बनाई जा सकती। क्यों? No, their formation is a very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. So if you are new in my channel, तो आप लोग मेरे channel को जरूर subscribe कर लीजिए। So that you can get all my education videos. So let's start. 5.4. Some natural resources are limited. कुछ जो natural resources हैं वो limited होते हैं. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forests, minerals, etc. हमने पढ़ा था exhaustible and non-exhaustible natural resources होते हैं. You know that coal and petroleum are fossil fuels. Coal or petroleum जो है वो fossil fuels है. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. तो इस fossil fuels बनने के लिए जो dead organisms होते हैं, forest हो गए या animals हो गए जो कि dead होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर soil की layers आती जाती है और millions of years की जरूरत होती है उसको fossil fuel में change होने में. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. तो जितना भी fossil fuel मिलने की जगह है वो सिर्फ अभी और few hundred years के लिए ही हैं, मिल सकते हैं हमें. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. और इन्हीं fuels को जिस तरह से हमें fossil fuel से petroleum से ही हमें क्या मिलती है, हमें पेट्रोल, डीजल और ये सभी जो है पॉल्यूशन भी फैलाती है. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. ग्लोबल वार्मिंग की भी एक वजह फॉसिल फ्यूल्स को जलाना ही है. सो हमें जब जरूरत हो बहुत ज्यादा तभी यूज करनी चाहिए. दिस विल रिजल्ट इन बेटर environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. अगर हम लोग कम use करेंगे थोड़े fossil fuels को तो ये हमारे environment को better बनाएगी और pollution को कम कर सकती है. In India, the Petroleum Conservation Research Association, PCRA in short, advises people how to save petrol, diesel while driving, करते वक्त पेट्रोल और डीजल को हम सेव कैसे कर सकते हैं, इसका भी कुछ जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा एडवाइस दी जाती है. देयर टिप्स आर ड्राइव एट अ कंस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. एक कांस्टेंट और मॉडरेट मींस बहुत हाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं, और एक बिल्कुल कांस्टेंट मींस से इक्वल स्पीड में. अगर आप लोग 45 स्पीड में जा रहे हैं तो उसी स्पीड में जाना चाहिए, तब हमारे फ्यूल जो है बचत होती है. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, हमें स्विच ऑफ रखनी चाहिए ट्रैफिक लाइट्स में, और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जहां पे गाड़ी को रोकनी चाहिए वहां हमें स्विच ऑफ करनी चाहिए गाड़ी की. एनश्योर करेक्ट टायर प्रेशर करेक्ट होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एनश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और गाड़ी की मेंटेनेंस कराती रहनी चाहिए. तो इसी के साथ कोल एंड पेट्रोलियम लेसन यहीं तक है. इसका भी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस लेसन, लाइक सम कीवर्ड्स विच वी हैव हमें मिला था इस लेसन में, जैसे कि कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी. इन सब वर्ड्स को हमने इसी लेसन में पढ़ा है. नाउ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस लेसन, वी हैव लर्नड दैट
कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल्स वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. फॉसिल फ्यूल्स जो है डेड रिमेन्स से बनती है, वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वो बन चुकी होती है. फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. कोक, कोल टार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग पेट्रोलियम. ये सभी कुछ हमने लेसन में पढ़ा है. कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिशियसली. हाँ, अपने दिमाग से अच्छे तरह से सोच समझ कर ही हमें यूज करनी चाहिए. नाउ वी हैव गॉट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. सो आई थिंक ये एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ताकि आप लोग पार्ट बाय पार्ट इसको कंप्लीट कर सकते हैं. और यू हैव व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस यू शुड लर्न बाय हार्ट. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.